अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी रेसिपी है ईदी स्पेशल में सेवई की। हम सेवई एकदम सिंपल तरीके से बनाएंगे और बहुत टेस्टी रहेगा हमारा सेवई। सेवई बनाने के लिए हम 1 लीटर दूध ले रहे हैं और हम अमूल का कैंडेक्स मिल्क ले रहे हैं। इसमें से हम हसबे ज़रूरत इस्तेमाल करेंगे। 1 पाव सेवियाँ ले रहे हैं। 1 कटोरी से थोड़ा सा कम हम बादाम ले रहे हैं। 1 कटोरी हम मिल्क पाउडर ले रहे हैं। 1/2 कप हम देसी घी ले रहे हैं। 1 चिटकी हम केसर के धागे ले रहे हैं। पहले हम दूध को अच्छे से बॉईल कर लेंगे, तब तक सेवियाँ और बादाम को घी से फ्राई करके ले लेंगे। दूध को हम पहले अच्छे से बॉईल करेंगे। दूसरी साइड हम पैन को गर्म कर लेंगे। पैन गर्म होते भर में हम घी इसमें ऐड करके बादाम को फ्राई कर लेंगे। पैन हमारा गर्म हो गया है, इसमें हम थोड़ा सा घी ऐड करेंगे बादाम को फ्राई करने के लिए, और बाकी का घी हम सेवैयों को फ्राई करने के लिए रखेंगे। घी हमारा अच्छे से गर्म हो गया, इसमें हम बादाम ऐड कर देंगे। इसको हम 1 से 2 मिनट के लिए ही हम इसे चलाते हुए फ्राई कर लेंगे अच्छे से। बादाम का कलर चेंज हो गया है, इसमें से हम निकाल लेंगे इसे। इसी पैन में हम सेवियों को भी फ्राई कर लेंगे। काफ़ी घी इसमें बच गया, इसमें हम सेवियाँ ऐड कर देंगे पहले, ऊपर से हम बाकी का घी ऐड करेंगे। घी हम ऐड कर देंगे इसके ऊपर से। अब इसे हम फोक की मदद से ही चलाएंगे। अगर चमचे से चलाएंगे तो हमारा सेवई नीचे गिरने लगेगा, इसलिए हम आराम आराम से फोक की मदद से चलाएंगे। इसका कलर हम अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कर लेंगे चलाते हुए। मीडियम टू लो पर ही हम इसे भुनेंगे सेवईयों को। सेवईयों का भी काफ़ी हद तक कलर चेंज हो गया, आप देख सकते हैं। इसे हम थोड़ा सा और फ्राई करेंगे और इसे अच्छा सा कलर आने तक। और दूध में भी हमारे बॉयल आ चुका है, दूध में भी हमारे बॉयल आ चुका है। इसमें हम केसर ऐड कर देंगे। अब गैस का फ्लेम हम लो कर लेंगे। इसे मिक्स करेंगे हम केसर के धागों को, और इसमें हम मिल्क पाउडर ऐड कर देंगे 1 कप जो हमारा पूरा हम ऐड कर दिए हैं मिल्क पाउडर। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे मिल्क पाउडर को भी। मिल्क पाउडर इसमें हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है। इसमें हम हसबे ज़रूरत जितना हमें मीठा पसंद है उतना ही हम इसमें कैंडेक्स मिल्क ऐड कर देंगे। आप कोई भी ब्रांड का ले सकते हैं। हम इसमें अमूल का डाल रहे हैं। इसे भी मिक्स कर लेंगे हम अच्छे से। इससे क्या होता है कि हमारा टेस्ट बहुत इसका अच्छा आता है। आप घर में भी कैंडेक्स मिल्क बना सकते हैं एकदम ईजीली। सेवैयाँ भी हमारी अच्छी सी कलर चेंज हो गया, इसे हम बाउल में ले लेंगे। हम सेवैयों को ऐड कर देंगे। दूध का पहले फ्लेम हम लो करेंगे। सेवैयाँ हम ऐड कर देंगे इसमें। आराम आराम से हम ऐड करेंगे चारों। सेवैयाँ हमारी इसमें ऐड हो गई है, इसे मिक्स कर लेंगे पहले हम अच्छे से। अब इसमें हम फ्राई किए हुए ड्राई फ्रूट ऐड कर देंगे। हमारी सेवैयाँ बनके तैयार हो गई, आप देख सकते हैं कितनी अच्छी सी सेवैयाँ और झटपट बनके तैयार हुई। आप देख सकते हैं हमारा दूध भी कितना अच्छा सा इसमें हुआ है, एकदम बिल्कुल खोए के ऐसा हमारा दूध बनके तैयार हुआ है। इसमें हम मिल्क पाउडर और कैंडेक्स मिल्क डालने की वजह से इसलिए हमारा इतना अच्छा सा सेवैयाँ बनके तैयार हो गई है। चलिए हम इसे निकाल लेंगे पहले एक बाउल में। हमने डिश आउट कर लिया है। अब इसमें हम सेवैयों को साइड में रखेंगे, आराम आराम से रखेंगे एकदम। बाकी बचे ड्राई फ्रूट भी हम ऐड कर देंगे इस पर। ज़बरदस्ती आपको ये सेवैयों की रेसिपी अगर पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अल्लाह हाफिज़।